हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया हुआ। तो गाइस जो अपनी शुरुआत में यहाँ पे वीडियो देखी काफ़ी ज़्यादा वायरल है रील्स के ऊपर है, एंड आप उस टाइप की रील्स बना के रील्स पर अपलोड करोगे तो आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ सकते हैं एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। तो आपने कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अभी तक अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अपने फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने VNAP को डाउन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको VNAP को ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे नीचे पर्सनल आइकन, इस पर क्लिक करेंगे, न्यू पैक पे आएंगे। उसके यहाँ पर फोटोज़ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिस भी पर्सन की आपको फोटो को बनाना है उसके आपने सिंपल से एक फोटो को लेना है। यहाँ पर मैंने एक फोटो ले लिया जजमानक भाई की, तो ये फोटो आ चुकी है। ऊपर इंडियन पर क्लिक करके 9016 सेलेक्ट कर देंगे स्क्रीन, ठीक है ना। एंड यहाँ पर भी क्लिक करके 9016 सेलेक्ट कर देंगे। सो गाइस इतना हो गया। इसकी लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देना है आपने, लगभग 10 सेकंड के अराउंड कर देना है। एंड म्यूजिक पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे आना है, प्लस वाला आइकन आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके अक्षय फॉर्म वीडियो पे क्लिक करना है। और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, देख सकते हैं आप लोग। आपने वहाँ से क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड का वहाँ पर ऑप्शन आता है 3 डॉट पर क्लिक करके, आप ऊपर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड वीडियो को सेव कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी गैलरी में शो होगी, जैसे आप उस गैलरी में शो होगी, जैसे यहाँ देखिए गैलरी में शो हो रही है, उसका इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके वाला निशान आएगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, इसका दोस्तों जो म्यूज़िक है वो ऑडियो में कन्वर्ट आएगा, सबसे फर्स्ट में आएगा। मैंने यहाँ पे पहले से कर रखा था। एंड म्यूज़िक बीट्स पे आएंगे कुछ, यहाँ पे आपको बीट्स दिख रही हैं, छोटी मोटी बीट्स आपने लगा ली हैं। तो 2.22 सेकंड पे पहली वाली बीट है, दूसरी वाली बीट 0.45 सेकंड पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तीसरी वाली बीट है 4.79 सेकंड में, जो फोर्थ वाली बीट है 5.38 सेकंड में, जो फाइव वाली बीट है वो है 5.88 सेकंड में, जो सिक्स वाली बीट है वो 6.38 सेकंड पे, और सेवन वाली बीट है वो 6.90 सेकंड पे, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे इस बीट्स को लगा लेना है एंड यहाँ पे हमारी बीट जो है ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐड भी हो चुकी है, म्यूज़िक हमारा आ चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले काम आपने जहाँ जहाँ पर पहले तो कट लगाया उसके नीचे आपने कट लगाना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर दोस्तों कट नहीं लग रहा है, तो मैंने इसके सोल्यूशन मैंने दो बताया है। तो आप या तो वीडियो को इसको म्यूज़िक को डिलीट करके वीडियो को डाउन कर सकते हो, उसके बाद फिर से इसको इंपोर्ट कर लेना। आप वीडियो के फॉर्म में करोगे तो ऑटोमेटिक मतलब आसानी से उसमें कट लग जाएंगे, पास पास में आसानी से लग जाएंगे। मैंने काफ़ी वीडियोस में पहले बताया भी, अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो तो आपको पता होगा, ठीक है। एंड दूसरा तरीका क्या करना है, पहले तो जहाँ जहाँ पे आपने कट लग रहे हैं वहाँ वहाँ लगाना है। तो देख सकते हैं आप लोग, पहले तो मैं जहाँ पे कट लग रहे हैं वहाँ लगाऊंगा। यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे नहीं लग रहा है, एंड यहाँ पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग गया, ठीक है। एंड मैं बता दूँ आपने दोस्तों, आपको बता दूँ इसको पीछे आपने इसको पीछे लेके आना है थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको पे इसको बढ़ा देना है, देखिए मैं ज़्यादा पीछे कर दिया। और यहाँ पे इसको साथ इसके साथ मैच इसका इसको मैच कर देना है, एंड डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, इसको इसके साथ यहाँ पे मैच कर देना है। तो यहाँ पे इस स्टेप से इसको हम ऐड कर देंगे। तो इतना दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके लेंथ को आपने थोड़ा बढ़ा देना है एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाया था, इस स्टेप से इसको आपने बढ़ा देना है, ठीक है। और कहाँ तक बढ़ाना है देख सकते हैं, ये जो बीट आ रही है यहाँ पे इसके साथ इसको मैच कर देना है। एंड ये देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको मैच कर दिया, ठीक है ना। आई होप इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पे ये जो है इसको इसके साथ यहाँ पे मैच कर देना है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये देख सकते हैं हमने इस पर क्लिक करके डुप्लीकेट बना लेना है और यहाँ पे इसके साथ इसको यहाँ पे मैच कर देना है, ठीक है। एंड फिर से डुप्लीकेट बनाएंगे, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे आप मैच कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये तो सो चुका है। अब एक और आया, हमने डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको इसके साथ यहाँ पे मैच कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड इस स्टेप से दोस्तों ये हो चुका है। आप दोस्तों इसको पीछे लेके आना है और यहाँ पे जहाँ तक आपका म्यूज़िक है वहीं तक अपनी वीडियो को रखना है, एक्स्ट्रा वीडियोस आपने क्रॉप कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको बराबर कर दिया पीछे से। एंड इतना दोस्तों करने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या करना है, तो इसमें दोस्तों आपको बता दूँ आपने क्या करना है, ये जो आपको ये जो बड़ी वाली लेंथ दिख रही है ये वाली, इसको आपने छोटे छोटे इसको छोटा कर देना है और कुछ छोटे छोटे आपने डुप्लीकेट बना लेने हैं और इसको यहाँ पे आपने एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से पहले तो मैं इसके डुप्लीकेट बना लेता हूँ, बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। तो पहले दोस्तों मैं ये बनाता हूँ, फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इस टाइप से बहुत सारे डुप्लीकेट यहाँ पे बना लिए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे इस तरीके से आपने कर लेना है पीछे वाली बीट तक। तो गाइस इतना यहाँ पे करने के बाद क्या करना है, आपने शुरुआत में आपको नहीं देख सकते हैं एक को छोड़ के एक को यहाँ पे आपने मिरर करना है, वो फ्लिप करना है, ये देख सकते हैं आप लोग। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग उसको फ्लिप करते जाना है इस स्टेप से। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत यहाँ पे कर देना है, फिर यहाँ पे दोस्तों
थोड़ा करने के बाद फिर आपने करना है एक को छोड़ के एक को यहाँ पे अपने मिरर करना है, ठीक है। ये स्टेप से, इस स्टेप से आपने एक को छोड़ के एक को यहाँ पे मिरर करना है, इस स्टेप से। सो इसी टाइप से आपने एक को छोड़ के कोई यहाँ पे हमें मिरर करना है, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से, एक ही देख सकते हैं आप लोग। तो कुछ दूरी जाने में, कुछ दूरी मतलब कुछ स्टेप, मतलब कुछ यहाँ पे आपने करने के बाद आपने देसी की जितना आपने कर लिया उसका क्या करना है, फिर एक को छोड़ के को आपने फ्लिप करना है, एक को छोड़ के एक को आपने फ्लिप करना है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से आपने एक को छोड़ के यहाँ पे आपने फ्लिप करना है। और अब दोस्तों आपने क्या करना है, इतना थोड़ा सा ये भी करने के बाद फिर क्या करना है आपने, फिर एक को छोड़ के एक को आपने यहाँ पे मिरर करना है, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, फिर एक मिरर, फिर एक फ्लिप। देखिए यहाँ पे मिरर कर लिया एक को छोड़ के एक को यहाँ पे फ्लिप, फिर यहाँ पे मिरर, फिर यहाँ पे फ्लिप, फिर एक को छोड़ के एक को मिरर, फिर एक को छोड़ के यहाँ पे फ्लिप, एक को छोड़ के एक को यहाँ पे मिरर, सॉरी मिरर, फिर एक को छोड़ के एक को यहाँ पे फ्लिप, एक को छोड़ के एक मिरर, एक को छोड़ के एक को फ्लिप। इस स्टेप से आपने कर लेना है पूरे में, मैं आपको करने अगर बताने लग गया पूरे में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस स्टेप से आपने आगे कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों बाकी जो बचे इफेक्ट है इस पर आपने इफेक्ट लगाने हैं, दोस्तों मैं फटाफट से इफेक्ट लगा लेता हूँ और फिर मैं आपसे आगे बात करता हूँ। सो इतना आपने करने के बाद देख सकते हैं इफेक्ट वगैरह मैंने लगा लिए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इसको दोस्तों, इतना लगभग आपने ले लेना, लगभग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आपको 1 सेकंड दिख रहा है, इतने सेकंड से आपने यहाँ पे शुरुआत करनी है। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, वीडियो पे आना और फोटो पे क्लिक करना है। और जो हमने फोटो अभी यहाँ पे एडिट कर रहे हैं उसी फोटो को आप दोबारा से ले लेंगे और इसको थोड़ा सा फिलहाल को इसके स्क्रीन के बराबर यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इसकी फोटो को हम यहाँ पे कर लेंगे ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट करने के लिए फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिल्म का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके F5 वाला फिल्टर लगा देंगे। देखिए ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है एंड यहीं पे आपको मिल जाता है मोशन का ऑप्शन, ऐसे इस पर क्लिक करके मोशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है लूप एनिमेशन पे और यहाँ पे आपको अगर लास्ट में जाओगे तो स्पिन का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे इसको फुल कर देना, ठीक है। फुल करोगे तो यहाँ पे स्लो हो जाएगा, देख सकते धीरे धीरे घूमेगा, एंड यहाँ पे इसको पूरा कम कर दोगे तो ये बहुत तेज़ घूमेगा, ठीक है। और इतना उसको करने के बाद क्या करना है, आपने इसके लेंथ को आपने जहाँ तक हमने छोटे छोटे ये लगा रखे हैं ये यहीं तक पूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इतना पीछे बराबर कर लेना है एंड यहाँ पे इस पर फिर से क्लिक करना है और यहीं पे आपको मिल जाता है यहाँ पे ऑप्सिटी का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इसकी जो लेंथ है इसको आपने कर देना है यहाँ पे 50 के अराउंड कर देना है, ठीक है। 50 या 49 कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पे इस तरीके से आपने इसके अराउंड यहाँ पे कर देना है और यहाँ पे इस तरीके से घूमेगा और इस तरीके से कुछ लुक आएगा अपनी आपकी वीडियो में, ठीक है। मैं आपको बाद में चला के दिखा दूँगा तो यहाँ पे आगे कैसे बढ़ गई, यहाँ पे छोटी हो गई। तो इतना उसको ले लेना आपने यहाँ पे 1 सेकंड के अराउंड ले लेना, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा देना है। एंड दोस्तों बाकी जो इसमें इफेक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली वाली जो आपको फोटो दिख रही है इस पर क्लिक करना है, जूम पे आना है और मूव राइट वाला लगा देना है, एंड सेकंड पे आना है जूम पे क्लिक करना है मूव लेफ्ट वाला, ठीक है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो आपकी फोटो दिख रही है ये वाली, इस पर क्लिक करना है, एफएक्स पे आना है, डिजिटल वाला लगा देना है, लेंथ रख देनी 0.58 सेकंड। फिर नेक्स्ट वाला जो प्लस वाला आइकन है इस पर अपने जूम वाला लगा देना है, ठीक है। सब में अपने जूम वाला ये जो है प्लस वाला आइकन सब में जूम रखना है, ठीक है। मैं आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वाली जो फोटो है एफएक्स पे क्लिक करना है, स्लाइड राइट लेंथ फुल, ठीक है, प्लस वाला आइकन जूम। और नेक्स्ट वाली जो फोटो है डिजिटल वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाली जो फोटो है स्लाइड राइट, फिर नेक्स्ट वाली डिजिटल। एंड दोस्तों एक आप एक बार मैं आपको और बता दूं, ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फोटो इस साइड है, आपने मिरर कर देना है एक फ़ोटो को यहाँ पे इस तरीके से। नेक्स्ट वाली फ़ोटो कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पे मिरर कर देना है, फिर नेक्स्ट वाली फोटो कुछ नहीं करना है, फिर यहाँ पे मिरर कर देना। दोस्तों इस तरीके से आपकी जो वीडियो बनके कंप्लीट हो जाएगी। एक बार मैं आपको चला के दिखाता हूँ किस टाइप से जो वीडियो बन के आएगी, ठीक है। सो गाइस इस टाइप से इस टाइप की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। एंड दोस्तों एक्सपोर्ट कैसे करना है बहुत आसान है, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो चेक फाइल साइन पे क्लिक कर देना है, आपकी जो वीडियो होगी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो गाइस वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पर एक मुझे ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही, वहाँ पर एक मुझे फॉलो कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।